बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आया हूँ और वो प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। हमने एक स्फीयर पे चार्ज दिया गया हो तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देयर आर वेरियस केसेस फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज स्फीयर और द सिस्टम ऑफ चार्ज स्फीयर। पहला केस मैं यू ले लेता हूँ। मेरे पास एक स्फीयर है जिस पर मैंने चार्ज दिया, स्फीयर का रेडियस आर है। नाउ अब अगर ये कहा जाए कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस एंड व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउट ऑफ द स्फीयर, यानी एक्सटीरियर पॉइंट पे, सरफेस पॉइंट पे और इंटीरियर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द सरफेस, charge always reside over the surface, charge हमेशा surface पे होता है। So अगर मैं इस side पे बात करूं तो here the charge is zero because charge in interior absent होगा, वो कहां पे आएगा, वो surface पे होगा। तो इट मींस दैट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्नल को यूज करते जीरो है और अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो अगर ई जीरो है सो दिस इंप्लाइज दैट वहां पे डेल्टा वी जीरो है, ठीक है। तो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो वहां पे इसका मतलब है वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब चार्ज है वो सरफेस पे है, इंटीरियर में पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि वहां पे ई क्या है, जीरो है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि वी, व्हाट विल बी वी एट द सरफेस एक्सटीरियर, इंटीरियर में तो आगे क्या जी, वो कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ अब मैं यू कह लेता हूं कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, फॉर द सर्फस अगेन, फॉर द सर्फस अगेन इट इज माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। नाउ फर्स्ट हियर ईच पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, so potential V is equal to K Q divided by R, K is constant and V is constant, delta V will be zero mean E is equal to zero mean E is also constant। और ये उस दिन के important part में मैंने बताया था, the region in which the electric potential is constant, here electric field is also constant। so यहां पे क्या बात होगी, जो पोटेंशियल इनसाइड पे उतना ही पोटेंशियल एट द सरफेस पे। तो हम जो कंक्लूड कर सकते हैं, इन दिस केस पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज के क्यू डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया। नाउ What will be the value? यानी मैं दो केस डिस्कस कर चुका हूं, what is the value of electric potential in the interior of the sphere on the surface, what will be the value of potential at outside। Now अगर ये देखा जाए तो फिर एक्सटीरियर पॉइंट पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, उसका डिस्टेंस कोई कैपिटल आर शो कर देता हूं, मे बी सम मल्टीपल ऑफ स्मॉल आर। लेट्स से वी टेक a point here which is at a distance capital R, that may be some multiple of this small r. Now according to the relationship, potential is k q divided by r, so either may use capital R again. If r is something taken multiple of small r, let's say it is 2r, then r is 3r, then R is 4R, then the value of potential on different points will
will be different. And that is the case of point charge potential. According to point charge potential, what is the value of K cube by R? It is spatial dependent. हमने डिस्कस किया था ना, इट इज स्पेशियल डिपेंडेंट, यानी आप पॉइंट टू पॉइंट मूव करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक स्फीयर पे चार्ज दे देते हैं तो उसके इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, और पॉइंट टू पॉइंट मूव करने से, डिफरेंट पॉइंट पे जाने से अगर वो चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब है वो लाइका पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन जब आप एक्सटीरियर पॉइंट पर आ जाते हैं तो जो पॉइंट से पॉइंट मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वेरी करती है, वैसे ही जैसे पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट चार्ज की फील्ड में मूव करती थी, चेंज करती थी। तो हमने कहा इसका मतलब ये है, द चार्ज स्फीयर विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन इट इज टेकन या इट इज कैलकुलेटेड आउटसाइड द स्फीयर। Inside the sphere and at the surface is not behaving like a point charge because the value of electric potential is found to be constant. सही हो गया? Now this is the case one जिसमें हमने ये discuss कर दिया. So what is the value of electric potential at the various position of the sphere of charge? Now case two. फिर मेरे पास उसी जैसा एक sphere है, उसका रेडियस है स्मॉल r, मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल r, दे आर गिविंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, दे आर गिविंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। Will happen. Compare the potential of two sphere of charge. Now, for this case, potential is equal to kq divided by small r. Now, for this case, what is potential? Potential is v is equal to k capital Q divided by capital R. Okay. Now, if we call this sphere as a sphere A and this is the sphere B, then we can say that potential of the sphere A is kq divided by small r and potential of the sphere B is kq divided by capital R. Now capital R is greater than small r, then if r is greater then vb is smaller, if r is smaller then va is greater. So this shows that what? The potential of the sphere A is greater than the potential of the sphere B. Now the migration of electron will depend. If both are given positive charge, okay? Now iska potential kya hai? Zyada hua, kyunki iska R kam hai. Iska R zyada hai, iska potential kam ho gaya. To isko zyada electron ab chahiye hai. Migration of electron will take place from this sphere to the sphere. ठीक है? अब electric field का pattern देखें, तो electric field lines यहाँ पे इसकी surface पे closer होंगी, perpendicular to surface होंगी और closer होंगी, क्योंकि जहाँ पे potential ज़्यादा हो, वहाँ पे electric field भी strong होगी, ठीक है? तो यहाँ पे field lines हैं, जिससे दूर होंगी, indicating the weak field. ठीक हो गया? यानी ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके पास। अब दो स्फीयर हो जिनका डिफरेंट रेडियस का क्या हो, सही है? तो आप सीधे कह दें कि हमने इन में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप कहेंगे जिस स्फीयर का रेडियस कम है, बट द केस इफ दे आर गिवन द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सर्फेस, सही है? वो इसके स्मॉल एरिया पे चार्ज है, इसके वो बिग एरिया पे उतने ही चार्ज है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा, जिसका पोटेंशियल क्या है, कम है। क्लियर हो गया? नाउ एक केस और हो सकता है, अब आपसे वो ये कह देता है कि लेट आर जो है, या वो इसी कंपैरिजन में वो यू कर देता है,
जब मेरे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ए जो है ना उसका पोटेंशियल है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और इसी पे वो क्वेश्चन यू कर देता है या सिंपल एक पोटेंशियल रिक्वेस्ट यू कर देते हैं। मैं अगर चार्ज को डबल कर दू और रेडियस को हाफ कर दू, यानी क्यू को क्यू फाइनली को डबल दैट क्यू इनिशियल कर दू एंड आर फाइनली को हाफ ऑफ द क्यू हाफ ऑफ द आर इनिशियल कर दू, व्हाट विल हैपन, देयर पोटेंशियल विल बिकम potential final will be 2 2s are 4 times the initial potential. आपको value देके बताएगा, मेरे पास एक sphere है, उस sphere पे जो है 5 coulomb charge है, मैं उस charge को 10 coulomb कर देता हूँ और साथ में जो radius पहले 5 meter था उसे मैं 2.5 meter कर देता हूँ, what will be the potential now, initial potential वो आपको देगा, ठीक है, what will be the potential now, it will be 4 times the initial potential, clear हो गया। इसी तरह अब आपको यू कह देता है that we have two spheres, that we have two spheres, sphere A and sphere B, ठीक है, now you are ordered to find what amount of charge must be given to this sphere to get the same potential. Let this is small r and this is capital R. But according to him, this capital R is 2 times the small r. What amount of charge must be adjusted to take the same potential of these two spheres? ठीक है, इन दो sphere का potential same करने के लिए हमें इन पे चार्ज की क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं यू कर लेता हूं, मैं कहता हूं पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ए इज के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, लेट्स से दिस ए दिस चार्ज ऑन द स्फीयर ए क्यू है, ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल ऑन द स्फीयर बी इज के क्यू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, दैट इज के क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। नाउ in order to get the same potential, let the potential is taken same, VA is equal to VB. Now use the values, what are the values? Values are KQA divided by small r and KQB divided by 2 times small r, R se cancel ho gaya, K kya ke saath cancel ho gaya, so QA will be equal to QB divided by 2 R. अब देखें यहां पे कैपिटल आर ये बिग रेडियस है ना, तो इस पे चार्ज को एक्स्ट्रा कर देना पड़ेगा ताकि इसके मुताबिक उसका पोटेंशियल हो जाए, तो वी विल से दैट क्यू बी विल बी 2 टाइम्स क्यू ए, उसको डबल कर दें तो तब जाकर पोटेंशियल क्या होगा सेम हो जाएगा, ठीक है, सो देयर आर मेनी केसेस फॉर व्हिच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज स्फीयर्स प्रॉब्लम्स।